हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी। आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल से 5 बन हेयर स्टाइल, वो भी सिर्फ 1 डोनेट बन की मदद से। तो कैसे बनाना है चलिए वीडियो में आपको पता चलेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो 1 डोनेट बन से 5 बन हेयर स्टाइल कैसे करना है, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल न्यू है, कहीं से मैं कॉपी नहीं करती हूँ। अपने माइंड से सोचते रहती हूँ, फिर मैं कुछ नया क्रिएट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंस्टा आईडी PreetiBhai24 है, सेकंड चैनल है PreetiBhai2, जिसपे सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज मिल जाएंगी। तो प्लीज जाइएगा और देख लीजिएगा, और चैनल अच्छी लगे, वीडियोज अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल होगा उसको इस तरीके से कॉम करना है अच्छे से, और एक लो पोनीटेल बना लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लो पोनीटेल बना ली है। अब आपको लेना है, मैं बताने वाली हूँ 1 डोनेट 1 से 5 डिफरेंट टाइप की, बिल्कुल न्यू हेयर स्टाइल है, तो ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। और ईजी है तो कोई भी बना सकता है। तो इस तरीके से सेंटर से एक होल करना है, उसके अंदर 2 फिंगर अपनी इंसर्ट करनी है, और पोनीटेल के सारे हेयर को इस तरीके से नीचे की तरफ से खींच लेना है। उसके बाद से जो ट्विस्टिंग हुई है उसको थोड़ा थोड़ा सा खींच लेंगे, और जब हम लोग हमेशा इस तरीके से जब ट्विस्ट करते हैं तो बीच में हमारी स्कैल्प दिखने लगती है, तो उसको कॉम की मदद से ठीक कर लेना है। उसके बाद से डोनेट बन को लेना है, और इस तरीके से डोनेट बन के अंदर सारे हेयर को इंसर्ट करते हुए एक बन बना लेना है। उसके बाद से डोनेट बन को अच्छे से हाइड कर देना, और बहुत सुंदर सा पार्टी, शादी और साड़ी पे बहुत बेस्ट लगेगा ये हेयर स्टाइल। तो साड़ी पे स्पेशली वाला हेयर स्टाइल आप बना सकते हो। अच्छे से डोनेट बन के बन को स्कैल्प के हेयर के साथ सिक्योर कर दीजिए, और देखिए कितना प्यारा सा आपका यहाँ पे बन, बहुत बड़ा सा और सुंदर सा स्टाइलिश सा बन बन के रेडी हो गया। बहुत पतले हल्के बाल है ना, तो भी आप ये वाला हेयर स्टाइल बना सकते हो, और बहुत काफ़ी अच्छा दिखेगा। इसको आप थोड़े से फ्लावर यूपिन्स के साथ डेकोरेट कर सकते हो, जिससे कि इस बन का लुक बहुत अच्छा आएगा। आपको सिंपल चाहिए तो सिंपल एक रोज पिन लगा दीजिए, और थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा, मतलब और ज़्यादा डेकोरेट करना तो इस तरीके से छोटे छोटे वाले जो रोज वाले यूपिन आते हैं वो लगा दीजिए। तो देखिए कितना प्यारा हमारा बन का लुक आ गया, और बहुत स्टाइलिश लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो पार्टी शादी में आप इस तरीके से डेकोरेट करके बना सकते हो, और एनी सिंपली कहीं जाना है तो सिंपल जैसे विदाउट कोई यूपिन लगाए बिना भी जा सकते हो। तो सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, पोनी टेल बना लेनी है। थोड़ा सा ऊंचा बनाएंगे इस बार, ज़्यादा नीचे नहीं, मतलब नीचे से 2-3 फिंगर ऊपर इस तरीके से बना लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइटली बना लीजिएगा। बनाने के बाद से आपको रबड़ बैंड को थोड़ा सा लूज करना है, और इस बार हमको साइड से इस तरीके से फिंगर को इंसर्ट करना है, और सारे हेयर को अंदर की तरफ इस तरीके से खींच लेना है। और ऐसे आप खींचते हो तो ऑटोमेटिकली एक अच्छा सा वॉल्यूम आ जाता है आपके क्राउन एरिया पे, पफ का लुक आ जाता है, जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो बहुत अच्छा दिखता है, स्टाइलिश दिखता है। ये वाला हेयर स्टाइल ऑफिस गोइंग गर्ल्स वगैरह भी कर सकती हैं, साड़ी पे भी जाएगा, और गाउन वगैरह पहन रहे हो तो भी अच्छा लगेगा। अब डोनेट बन को इस तरीके से थोड़ा सा लॉन्ग लुक देने के लिए एक रबड़ बैंड बीच में लगा दे, जिससे कि डोनेट बैंड थोड़ा लंबा दिखे। और साइड से हेयर को लेना है, और डोनेट बन को अच्छे से देख लेना है कहाँ कितने हेयर में हमारा डोनेट बन हाइड हो जा रहा है, वहाँ तक नापने के बाद से इस तरीके से एक रबड़ बैंड वहाँ पे लगा देंगे, और डोनेट बन को अच्छे से छिपाते हुए रबड़ बैंड को बचे हुए बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके सिंपली फ्रेंच बन की तरह इसको बना लेंगे, और रबड़ बैंड को हाइड कर देंगे। एक्स्ट्रा हेयर को अपने बन के अंदर ही इंसर्ट कर देंगे, और ये हमारा बन बन के रेडी हो गया। इसमें वो यू पिन से अच्छे से सेट कर लेंगे, यू पिन बॉबी पिन जैसे भी आपको चाहिए, और ऊपर से जो हमारा पफ फ्लैट हो गया था उसको वापस से अगेन कर लेंगे, और इस तरीके से फ्लावर वाले यूपिन्स लगा दीजिए, बहुत सुंदर आपका। ये भी पार्टी में आप ट्राई कर सकते हो, ये वाला हेयर स्टाइल भी 3-4 फ्लावर वाले यूपिन्स लगा दो, चाहे जो भी आपको हेयर एक्सेसरीज है वो लगा दीजिए, तो बहुत अच्छे लगेंगे हेयर स्टाइल। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सिंपली आपने पोनी बना ली है, अब आपको यूपिन को लेना है, पोनी टेल के ऊपर इस तरीके से लगा देना है, पोनी टेल का हाफ हेयर लेना है, एंड डोनेट बन को अच्छे से हाइड करते हुए एक ही रबड़ बैंड लगाएंगे ऊपर में, और इस तरीके से डोनेट बन को पूरा हाइड कर देंगे, और पोनी टेल के हेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए यूपिन से सेट कर देंगे। अब जो एक्स्ट्रा हेयर बचे हैं उसको नीचे के रबड़ बैंड के ऊपर,
तो नीचे के एक्स्ट्रा हेयर को आपको सिंपली डोनेट बन को अच्छे से कवर कर देंगे। एक्स्ट्रा हेयर को नीचे के रबर बैंड से बैंड की तरफ से क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ लाके हाइड कर देंगे, जिससे कि रबर बैंड भी छिप जाएगा और हमारा बन का लुक बहुत अच्छा आएगा। अब इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पतला पतला सेक्शन लेंगे, लेयर को ट्विस्ट करते रहेंगे और ट्विस्ट करके बन के ऊपर से इस तरीके से लगा देंगे, जिससे कि आपका जो बन है वो बहुत ही स्टाइलिश लगेगा। इस तरीके से ऊपर से ट्विस्ट करते हुए 3-4 लेयर्स को लेंगे और ट्विस्ट कर करके सिंपली जो हमने ऊपर डोनेट बन लगाया उसके ऊपर से ले जाके और यूपिन से सेट कर देंगे एकदम ऊपर में ले जाके। बहुत ही प्यारा स्टाइलिश बन लगेगा, पार्टी में आप इसको बना सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। आसान तरीके से देखने में बहुत मुश्किल है, लेकिन बना लोगे आप बहुत ही आसान तरीके से। अब इस तरीके से ट्विस्ट कर करके लगा देंगे बहुत आसान तरीके से। अब आपको जो ऊपर का हेयर बचा है, जैसे हमने ट्विस्टिंग जो लगाई है उसका जो एक्स्ट्रा हेयर बचा है उसको क्या करना है हमको, देखिए कितना प्यारा लुक आ गया हमारा। अब आपको इन सारे हेयर को पकड़ लेना है, आपस में टू पार्ट्स में डिवाइड करके और ट्विस्ट कर देना है, और जितना हमने यूपिन्स लगाया है उसके ऊपर से सिंपली इसको रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे एंड यहाँ पे यूपिन से इसको सिक्योर कर देंगे। देखिए कितना प्यारा लुक आ गया हमारा। अब जो नीचे के हेयर्स बचे हुए हैं इनको सिंपली टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इस तरीके से क्रॉस करके ऊपर की तरफ से लेके आएंगे और इस तरीके से यूपिन से सिक्योर कर देंगे। और ये हमारा चौथा बन हेयर स्टाइल बन के रेडी हो गया, जो कि काफ़ी प्यारा है, काफ़ी थर्ड हेयर स्टाइल है सॉरी। और इस तरीके से रोज फ्लावर इसमें लगा देंगे, आप एक चाहो तो एक ही रोज फ्लावर से भी छोड़ सकते हो और चाहो तो बीच में इस तरीके से 3-4 यूपिन्स लगा सकते हो, जिससे कि इसका लुक और भी अच्छा और पार्टी वेयर बन जाएगा। वेडिंग बन आपका बन के यहाँ पे रेडी हो गया है। तो चलते हैं चौथे हेयर स्टाइल की तरफ। चौथे हेयर स्टाइल में इस तरीके से पोनी बनाया है, ऊपर की तरफ से फिंगर को इंसर्ट किया है और रबर बैंड के सारे हेयर को इस तरीके से पकड़ा है, पोनी टेल के हेयर को, और नीचे की तरफ ट्विस्ट कर दिया। देखिए कितना प्यारा सा हमारा ट्विस्ट यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। सेंटर से हमने थोड़ा सा हेयर को खींचा है, जिससे कि हमारे क्राउन एरिया पर वॉल्यूम आ जाए। ट्विस्टिंग के हेयर को थोड़ा थोड़ा इस तरीके से खींच लेंगे और रबर बैंड को अच्छे से हाइड कर दीजिएगा। ओके, रबड़ बैंड को अच्छे से हाइड कर दिया हमने यहाँ पे। अब डोनेट बन लेना है और इस तरीके से सारे हेयर को इस तरीके से लपेट लेंगे डोनेट बन को नीचे की तरफ से लगाते हुए और यूपिन से साइड से इस तरीके से लेंगे और इसको यूपिन को लगा देंगे। बहुत प्यारा है ये भी, लो बन है, साड़ी पे ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो साड़ी पहन रहे हो तो ये वाला बन भी आप ट्राई कर सकते हो। ब्लैक रबड़ बैंड लगाएंगे ज़्यादा प्यारा रहेगा, क्योंकि रबड़ अगर बाय द वे कभी आपका रबड़ बैंड दिखता है तो भी अच्छा लुक आ जाएगा, अगर आपने कोई फ्लावर यूपिन्स नहीं लगाना है तो। चाहो तो आप इस तरीके से इसको हाइड करने के लिए कोई बैक पिन लगा सकते हो यहाँ पे, नहीं तो फ्लावर वाला यूपिन्स लगा सकते हो, उससे भी काफ़ी अच्छा आएगा और आपका जो रबड़ बैंड है वो भी हाइड हो जाएगा। ऊपर में भी एक यूपिन इस तरीके से लगा देंगे, जिससे कि काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा आपके बन का। तो ये हमारा चौथा हेयर स्टाइल बहुत इजी तरीके से और स्टाइलिश सा बन के रेडी हो गया। चलते हैं पांचवे हेयर स्टाइल की तरफ। पांचवे हेयर स्टाइल में आपको थोड़ा सा ऊंचा पोनी टेल बनाना है, हाई पोनी टेल। जितना हाई बनाओगे उतना ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा ये वाला आपका जो बन है वो। और इस तरीके से रबड़ बैंड को थोड़ा टाइटली लगा देंगे। उसके बाद से आपको डोनेट बन लेना है और डोनेट बन को पोनी टेल के रबड़ बैंड के ऊपर लगा देना है और यूपिन से सिक्योर कर देना है। इस तरीके से रबड़ डोनेट बन को लगा देंगे, एक पतला सा सेक्शन लेंगे बालों का, देन यूपिन से डोनेट बन के ऊपर ही इस तरीके से सेट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से हेयर को सेट कर देना है और जो आपने लेयर लिया उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन जो हमारा सेंटर में हेयर है उसमें से थोड़ा थोड़ा हेयर लेके और इसमें बनाते जाएंगे चोटी, इस तरीके से बनाते जाएंगे। और ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही स्टाइलिश लगता है। इसको आप जीन्स के साथ, साड़ी के साथ, सूट के साथ, ऑल ड्रेस के साथ ये हेयर स्टाइल जाएगा और बहुत ही स्टाइलिश लगता है। पार्टी में भी आप ट्राई कर सकते हो। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा हेयर लेके पूरी चोटी को गूंथ लेना है। ओके, तो इस तरीके से पूरा गूंथते जाएंगे और पूरा बनाने के बाद से डोनेट बन के ऊपर इस तरीके से लपेट देंगे। कितना प्यारा सा हमारा यहाँ पे बन बन के रेडी हो गया। अब यूपिन को 4-5 यूपिन लेके अच्छे से इसको
सिक्योर कर दीजिए। तो आपको कैसा लगा, कौन सा हेयर स्टाइल सबसे अच्छा लगा, सबसे सुंदर लगा, आसान कौन सा लगा, आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। मुझे आपका कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, आप बताते हो कि ये वाला हेयर स्टाइल अच्छा था, ये वाला ईजी था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान और स्टाइलिश और यूनिक हेयर स्टाइल आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और सबसे बेस्ट हेयर स्टाइल कौन सा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो मेरा इंस्टा आईडी है प्रीति24 वहाँ पर भी जरूर जाइएगा और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको सारे हेयर स्टाइल पसंद आए होगा, इसे तो सेकंड चैनल पे भी जरूर जाइएगा। और ये जो मैंने हेयर स्टाइल पहले बनाए थे उसका फोटो यहाँ पे थोड़ा बहुत डाल दिया है, जिससे कि जो आपको रिपीट हो जाए कि ये सारे हेयर स्टाइल मैंने आज बताए हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।